चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर, मिड कैप के महारथी। और आज मिड कैप के महारथी बताने के लिए हमारे साथ विनीत बोलिंजकर जी जुड़ चुके हैं। विनीत, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं कौन सा स्टॉक रेकमेंड करना चाहेंगे? आज हम आपको रेकमेंड करेंगे अडानी ग्रीन। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ का डेट अनाउंस हो जाएगी। उसके पीछे जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स है वो चल पड़ेंगे। हमारा 2 साल का टारगेट अडानी ग्रीन पे 2800 रुपए का है। और हमारा तेजी का कारण इसके लिए है कि इनकी जो कैपेसिटी एडिशन बहुत बेहतरीन हो रही है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है। आज उन्होंने 11 गीगावाट ऐड कर चुके हैं और हमें लगता है कि आगे जाके हर साल कम से कम 5-6 गीगावाट हम वो लोग ऐड करेंगे, जिससे उनकी बाय 2030 40-45 गीगावाट की कैपेसिटी हो जाएगी। बिल्कुल, तो अदानी ग्रीन यहाँ पर खरीदारी की राय है। 2800 रुपए तक के लक्ष्य स्टॉक पर दिखाई दे सकते हैं, और अगर आपका 2 साल का नजरिया है तो यहाँ पर 2800 के लक्ष्य बनाए रखें। गिरव, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय लेकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अपने ट्रेडिंग आइडियाज ही बता दें। मेरे हिसाब से पहले मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया एक तेजी देखी गई है, मगर यू नो जस्ट लाइक लास्ट टाइम लग रहा है कि नीचे आएगा कि नहीं। आई डोंट थिंक ऐसा होगा। आई बिलीव जो तेजी है ये सस्टेनेबल है, एंड आई बिलीव यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही काफी ऊपर जा सकती है। मगर यहाँ से अगर आपको अभी इमीडिएट कुछ ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी में यहाँ से भी काफी जगह है ऊपर जाने के लिए। आई बिलीव 51,750-2000 के जो लेवल्स हैं वो अचीवेबल है, काफी सारी शॉर्ट कवरिंग है, तो बैंक निफ्टी करंट लेवल से आप खरीद सकते हैं। नीचे में 50,950 ये आपका स्टॉपलेस रहेगा फ्यूचर में, और टारगेट्स 51,750-52,000 तक के रहेंगे। जहाँ पे यू नो इंडेक्स की बात रही, जो डेटा है उसमें ओपन इंटरेस्ट काफी कम हो चुका है, एंड आई डेफिनेटली बिलीव के यू नो बिकॉज ऑफ दैट देर इज अ गुड चांस ऑफ बाइंग कमिंग इन। अभी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए स्टॉक्स में मेरे हिसाब से दो स्टॉक्स जिसमें अच्छी बड़ी ब्रेकआउट आई है, पहला है वीटो स्विच गेयर। उसमें एक लंबा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है, एक 2 साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, और वो आया है करीब करीब 170 के ऊपर। आई बिलीव अब यहाँ से ऊपर में काफी जगह हो चुकी है ये स्टॉक को यू नो अपसाइड में जाने के लिए, तो करंट लेवल से बाइंग बनाई जा सकती है। नीचे में अराउंड 185 ये बढ़िया सपोर्ट लेवल है, तो वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, और अराउंड 220 तक के इसमें टारगेट नजर आ सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक मुझे काफी पसंद आ रहा है वो है कैपेसाइट इंफ्रा। ये जो स्टॉक है ये स्टॉक लगातार वॉल्यूम पिकअप देखते जा रहा है, हायर टू हायर बॉटम फॉर्मेशन देखते जा रहा है। देयर इज अ गुड चांस इन दिस स्टॉक के ये 440-450 तक निकल जाए। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करंट लेवल से नियर टर्म के टारगेट 425 के लिए आप बाइंग कर सकते हैं, 378 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। साइट इंफ्रा और दूसरे कौन से स्टॉक की आपने बात की सबसे पहले? वीटो स्विच गियर। वीटो स्विच गियर्स, ठीक है, तो इन दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, कैपेसाइट इंफ्रा और वीटो स्विच गियर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।